हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू श्रीनिधि ब्लॉग्स। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही बढ़िया टेस्टी चिकन रेसिपी। जी हाँ, इसका नाम है, ये रेसिपी का नाम है हैदराबादी चिकन करी। बहुत ही बढ़िया लगता है रोटी, नान, स्टीम राइस के साथ में, और आप इसे इडली डोसा के साथ में भी आप इसे सर्व कर सकते हो। प्रिपरेशन का जो वक्त है वो आपको मैरिनेशन के लिए ज़्यादा वक्त लगेगा, क्योंकि जितना आप मैरिनेशन करोगे, जितनी देर रखोगे मैरिनेट करके, उतना ही जो आपका चिकन है वो टेंडर, सॉफ्ट बनेगा और जूसी बनेगा। तो चलिए हम देख लेते हैं कि हैदराबादी चिकन करी कैसे बनाते हैं। चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में जो बेल बटन है उसको ज़रूर क्लिक कीजिए, जिससे कि जो भी मैं नई रेसिपी डालूं उसकी जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाए। और खूब शेयर कीजिए इस रेसिपी को, बहुत ही बढ़िया रेसिपी है। तो फर्स्ट हमको क्या करना है, ऑनियन स्लाइस कर लीजिए, 3 ऑनियन पतले पतले स्लाइस कीजिए, और अच्छी तरह से गरम तेल में इसको थोड़े थोड़े कर इसको बैचेस में फ्राई कर लेना है। कढ़ाई में आपका जो तेल है उससे कम ही आप ऑनियन को डालिएगा, जिससे कि ऑनियन जो है काफ़ी अच्छी तरह से क्रिस्प हो जाए। जैसे ही आपका जो ऑनियन है वो लाइट ब्राउन हो जाएगा, तुरंत ही आपको उसको निकाल लेना है, क्योंकि जो ऑनियन है वो निकालने के बाद में भी उसके कुकिंग प्रोसेस जो है वो चालू ही रहेगा, इसलिए वो ज़्यादा ब्लैक होने के चांसेस है। तो जैसे आपको देखिए इस तरह से लाइट कलर मिल जाए, उसके बाद आपको इसको तुरंत ही निकाल लेना है और एक अब्सॉर्बेंट पेपर में आपको उसको निकाल के रख दीजिए। तो चलिए मैरिनेशन करते हैं। मैंने यहाँ पर 1 kg चिकन को अच्छी तरह से क्लीन करके ले लिया है। और क्लीन कैसे करें हम, आपको क्लीनिंग करते वक्त 1 teaspoon आपको नमक और हल्दी डालकर अच्छी तरह से धोकर इसको निकाल लेना है, जिससे कि अच्छी तरह से क्लीन हो जाए। इसके बाद में आपको जिंजर गार्लिक पेस्ट डालना है, रेड चिली पाउडर डालना है। इंग्रेडिएंट्स मैंने यहाँ पे भी दिया हुआ है और मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है उसमें भी आपको इंग्रेडिएंट्स जो है वो दे दूँगी। तो इस तरह से हमको डालना है हल्दी पाउडर, घर में फ्रेशली कूटा हुआ मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर लिया है, इसमें जो धनिया की क्वांटिटी है वो ज़्यादा रहेगी, और मैंने नमक लिया है 2 teaspoon जितना। जितने आप इसको मैरिनेशन में रखोगे उतना ही बढ़िया आपको टेस्ट देगा। गरम मसाला की जो रेसिपी है वो मैंने मेरे चैनल में दे रखा है, वही गरम मसाला आपको डालना है। बहुत ही बढ़िया फ्लेवरफुल मसाला है आपको। और जो 200 ग्राम जो दही है उसे मैंने अच्छी तरह से पहले फेंट लिया है, देखिए दाना पूरा निकल जाना चाहिए, अच्छी तरह से फेंट कर ही इसको आपको यूज़ करना है। बढ़िया तरीके से आपको इसको मिक्स कर लीजिए। एंड में आपको जो हमने फ्राई करके रखा हुआ था बरिस्ता, फ्राइड ऑनियन को बरिस्ता कहते हैं, वो आपको इसमें डालकर बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको मिक्स करके 1 घंटे के लिए, अगर आपके पास टाइम है तो ओवरनाइट आप फ्रिज में रख सकते हो, नेक्स्ट डे आप इसको बना सकते हो। तो जितना आप रखोगे उतना ही जूसी टेंडर आपका चिकन बनेगा। तो इसको हम रख देते हैं मैरिनेशन के लिए और तैयारी करते हैं करी की। तो हमने एक बड़ा सा बर्तन ले लिया है और जो हमने ऑनियन फ्राई किया था वही ऑयल आपको यूज़ करना है बढ़िया फ्लेवर के लिए। तो फिर से मैंने यहाँ पे 2 ऑनियन को स्लाइस कर लिया है। आंच जो है वो मीडियम रखिए, जिससे कि ऑनियन है वो जले नहीं। बढ़िया तरीके से आपको भूनना है ऑनियन को, और इसी समय आपको डालना है 2 तेज पत्ते। तो
स्लाइटली इसका कलर चेंज हो जाएगा। उसके बाद आपको जो मैरिनेट किया हुआ चिकन है उसे डालकर भून लेना है अच्छी तरह से। जो आंच है उसको मीडियम ही रखिए। हमने इसमें दही डाला था, इसके लिए अभी तुरंत ही आपको पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। दही जो है वो हीट से अपना पानी छोड़ेगा और चिकन भी अपना पानी छोड़ेगा। तो आपको बढ़िया तरीके से इसको मीडियम आंच करके इसको भून लेना है थोड़ी देर तक। चैनल में नए हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और बाजू में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर क्लिक कर लीजिए। और ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। बहुत ही बढ़िया रेसिपी है। इस समय आपको कवर कर इसको 5 मिनट तक कुक कर लेना है। देखिए इसके बाद ये चिकन जो है वो पानी छोड़ दिया है और मैंने यहाँ पर कश्मीरी रेड चिली पाउडर अभी डाला है कलर के लिए। जो हमने स्टार्टिंग में डाला था रेड चिली पाउडर मैरिनेशन के वक्त तो वो तीखी लाल मिर्च थी और थोड़ा सा आपको इसमें पानी डाल लेना है। जो मैरिनेशन लगा हुआ था बाउल में उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डालकर इसमें ऐड कर लिया है। अब डालना है इसमें फ्रेशली कटा हुआ धनिया। काफ़ी सिंपल रेसिपी है मगर जो टेस्ट है वो एकदम ही लाजवाब है। और मैं यहाँ पे डाल रही हूँ गरम पानी। जी हाँ, आपको गरम पानी ही डालना है और आपको कवर करके इसे अच्छी तरह से कुक कर लीजिए। देखिए पूरा जो ऑयल है वो एकदम सेपरेट हो चुका है और हमारी जो डिश है वो रेडी हो चुकी है। बढ़िया डिलीशियस फटाफट बनने वाला जो है हैदराबादी चिकन करी, आप भी घर पर ट्राई कीजिए और खाकर ज़रूर वो कमेंट करके मुझको बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ऐसे ही नए नए रेसिपी आपको लाते रहूँगी मैं आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।